दोस्तों हमारे पास टाटा टियागो आई है, इसमें क्या करा था आपने? टेपिट कवर पैकिंग बदला था, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई, क्योंकि इंजेक्टर खोलना पड़ते हैं टेपिट कवर पैकिंग डालने के लिए। कोई सी भी गाड़ी हो, डेल्फी इंजेक्टर में होंडे एक्सेंट है, i20 है, क्रेटा है, अगर हम टेपिट कवर खोलते हैं इंजेक्टर बाहर करते हैं तो हमारे इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं, और डीजल भी अगर ख़त्म हो जाता है तब भी कभी कभी इंजेक्टर लॉक होने का डर रहता है। करना है स्टार्ट, ये हमारा इंजेक्टर में रिटर्न भी आ रहा है, रिटर्न आ रहा है लेकिन फायर नहीं कर रहा है इंजेक्टर, तो स्कैनर द्वारा हम इंजेक्टर लॉक खोलेंगे, चेक करते हैं किस तरीके से खोलेंगे। तो दोस्तों हमारे इंजेक्टर में होता क्या है, ये जो वॉल रहता है डीजल ख़त्म होने से, डीजल में एयर आने से ये अप डाउन होता है और ये धीरे धीरे जाम हो जाता है। अगर जाम हो गया तो हमारा इंजेक्टर फायर करना बंद कर देता है। तो ये देखिए ये जाम है, तो मतलब इस कंडीशन में अगर जाम ज़्यादा हो गया है तो फिर हमारे स्कैनर से काम नहीं होगा। जैसे ये वाल फ्री है, हल्का फुल्का जाम है तो वो फ्री हो जाएगा। ये हमने इंजेक्टर पे लगाया, ये टेस्ट ऑन करा, ये देखिए आवाज आ रही है इसमें, कर टेस्ट ऑन कर, ये इस टाइप से आवाज आती है। तो फैन बहुत ज्यादा स्पीड में अप डाउन होता है और ये हमारा फैन फ्री हो जाता है। अभी हम वाल जाम वाला लगाएंगे और टेस्ट को ऑन करेंगे। ये देखो बहुत कम आवाज आ रही है इसमें, करो ये, और ये फ्री वाला वाल दबाओ, ठीक है। इस तरीके से इंजेक्टर लॉक हमारे ओपन हो जाते हैं। ये हमने स्कैनर लगाया है ओटेल 808 टाटा, टाटा टियागो है हमारी गाड़ी, डोमेस्टिक डीजल 1.5 डायग्नोसिस कंट्रोल यूनिट इंजन। एयर फिल्टर वगैरह हमने खोल रखा है इसलिए कोड आ रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट में जाएंगे। यह हमारे इंजेक्टर का आ गया, फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव 4123, ओके, इग्निशन हमारा ऑन है, इंजन में आवाज आ रही है, आगे देखना, इंजन में आवाज आ रही है, लाला देख तो आगे, अब ठीक है। तो ये हमारे जिस इंजेक्टर में आवाज आएगी वो इंजेक्टर हमारा समझ लो लॉक खुल गया है, और जिसमें आवाज नहीं आएगी तो वो हमें सर्विस ही कराना पड़ती है उसकी। टेस्टिंग प्रोसेस, लो जाओ तुम देखो, आवाज सुनो, दो नंबर आई, इस इंजेक्टर में हमारी आवाज नहीं आ रही है, मतलब ये हो सकता है इंजेक्टर हमें खोलना पड़े, लेकिन एक और तीन सिलेंडर हमने इंजेक्टर लॉक ओपन हो गया है तो हो सकता है गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाए। इग्निशन ऑफ ऑन, ये गाड़ी स्टार्ट, लगा लो रिटर्न पाइप, लगा लो, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन दो नंबर इंजेक्टर हमारा ओपन नहीं हुआ है, तो वापस से हम इग्निशन ऑफ करके ऑन करते हैं,
और इसको वापस से रिपीट करते हैं। देखो दो दो तीन तीन चक्कर भी हम टेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, तो इंजेक्टर हमारा वाल जो जाम हो जाता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है टेस्ट करने से। क्या हुआ? मतलब दो नंबर इंजेक्टर हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि तो दो नंबर इंजेक्टर ज़्यादा जाम हो गया है, ये गाड़ी में मिसिंग है हल्की सी।